नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण कोर्स का आज ये 23वां लेक्चर है और इस 23वें लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख हिंदी साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। अब आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो हिंदी साहित्यकार हैं, बहुत सारे हिंदी साहित्यकार दिए गए हैं और उनकी इतनी सारी रचनाएं हैं, तो एक वीडियो में ये टॉपिक दोस्तों कराना पॉसिबल नहीं है कंप्लीट। तो इस टॉपिक से संबंधित दो या तीन वीडियो आएगी। तो आज का जो पहला वीडियो है इस टॉपिक का, हिंदी साहित्यकार या हिंदी साहित्य के टॉपिक का, उसमें हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख हिंदी साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में। आप अपना सिलेबस देखिए, उसमें लगभग उत्तराखंड के जो हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें उत्तराखंड के लगभग 5 या 6 साहित्यकारों के नाम है, जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी और उसके बाद शेखर जोशी, शिवानी गोरा पंत। तो ये कुछ प्रमुख साहित्यकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इसके नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा या आप गूगल पे सर्च कीजिए zardariclasses.in। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी से और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, और इनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले हैं अब तक, वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। इनका जन्म होता है 20 मई 1900 को और जन्म स्थान का इनका तो कोसानी, जो कि बागेश्वर जनपद में है, उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के कोसानी में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनके 28 दिसंबर 1977 को प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके अगर हम उपनामों की बात करें तो इनका एक उपनाम है गोसाई। गोसाई किसका उपनाम है तो वो है सुमित्रा नंदन पंत जी का, और सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि। छायावादी युग के दोस्तों 4 स्तंभ माने जाते हैं, कौन कौन? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी युग के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, और इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। तो छायावादी कवि के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है सुमित्रा नंदन पंत, और ये छायावादी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं जिनको छायावाद का विष्णु भी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, क्योंकि जो प्रश्न बनता है मोस्टली वो यहीं से पूछा जाता है और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों हिंदी साहित्य का, मतलब हिंदी व्याकरण का जो हिंदी साहित्य वाला टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके UK 12 के सिलेबस के अनुसार, क्योंकि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं और उनमें से लगभग 2 प्रश्न हर एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी वीडियो आएंगी वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है और लगातार इसके नोट्स बनाने हैं। खैर, नोट्स तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनके काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है चिदंबरा, सबसे प्रसिद्ध, क्योंकि चिदंबरा के लिए दोस्तों इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक प्रश्न ये बनता है कई बार कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, 1968 में, और उनकी किस रचना के लिए, तो चिदंबरा के लिए। और इसमें इनकी जो प्रसिद्ध चुनी हुई कविताएं हैं उनका ये संग्रह है, काव्य संग्रह चिदंबरा, जिसके लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे ये जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी साहित्य में, चिदंबरा के लिए, ठीक है, 1968 में। उसके बाद अन्य काव्य संग्रह ग्रंथी है पल्लव, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, गुंजन, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है युगपत, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। तो यहाँ पे जो ये 3 है दोस्तों, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, इनको इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में रखा जाता है, प्रगतिवादी रचना, सुमित्रा नंदन जी की प्रगतिवादी रचना इनमें से कौन सी है, तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में से एक है। और
जो यहाँ पे इनका एक प्रसिद्ध रचना है पल्लव, प्रसिद्ध काव्य संग्रह पल्लव, तो इसको छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। तो आपको नोट करना है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, या छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है पल्लव, ठीक है दोस्तों। और जो ये वीणा है, यह है सुमित्रा नंदन जी की प्रथम रचना। तो ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे, ये सारे के सारे क्या है, काव्य संग्रह। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है, उसने दे दिया एग्जामिनर ने कि पल्लव किस विधा की रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने कई बुक्स में देखोगा इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रश्न क्या बनेगा कि पल्लव किस विधा की रचना है। ऑप्शन आएगा काव्य संग्रह, काव्य नाटक, उपन्यास या आपका आत्मकथा। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी और इसमें मैंने आपको बता दिया कि पल्लव क्या है, काव्य संग्रह है, तो फिर आप कर दोगे कि पल्लव काव्य संग्रह विधा की रचना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोस्तों अलग अलग यहाँ पे काव्य संग्रह दिए हैं, काव्य नाटक दिए हैं, उपन्यास दिए हैं और महाकाव्य या जो भी आत्मकथा है। सभी जितने भी रचनाकार हैं या जितने भी साहित्यकार हैं, इसी तरीके से मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है। अब इनके काव्य नाटकों की बात कर लेते हैं। तो काव्य नाटक ज्योत्सना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योत्सना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रजत शिखर और शिल्पी, ये तीन प्रसिद्ध काव्य नाटक है सुमित्रा नंदन पंत जी के। उपन्यास की बात करें तो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है हार। हार किसका उपन्यास है, तो यह है सुमित्रा नंदन पंत जी का। और महाकाव्य की अगर बात करें तो इनके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं लोकायतन, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और सत्यकाम। तो दोनों काफी महत्वपूर्ण है, लोकायतन और सत्यकाम जो कि महाकाव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी के। जो लोकायतन है ये इन्होंने अपने पिता को समर्पित किया था, जबकि सत्यकाम महाकाव्य ये इन्होंने अपनी माता को समर्पित किया था। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की। और पिछले पेपर आप दे सकते हैं, उसमें देखिए तो देखो यहाँ पे क्या है, हिंदी जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब आपको करना क्या है, इस पर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है, पुराने पेपर देखने हैं, 20 नंबर की हिंदी आपको जरूर देखनी है। और 20 नंबर से अब आपका स्कोर कितना आप कर पा रहे हैं वो आपको देखना है। अगर आपने जो मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस कंप्लीट कराया, ये सारी की सारी वीडियो देख ली और एक दो बार रिविजन भी कर लिया है, फिर अगर 20 में से आपके 15 या 16 मार्क्स आ रहे हैं, अब ये देखिए कमी कहाँ पे रह रही है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिकों पर विशेष ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि 17 या 18 मार्क्स आप लाने की कोशिश जरूर करें। तो ये हो गए दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं। अब देखो ये रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को जो प्राप्त प्रमुख पुरस्कार हैं, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें प्रदान किए जा चुके हैं अब तक। तो सर्वप्रथम इनको 1960 में इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सुमित्रा नंदन पंत जी को कब सम्मानित किया गया, 1960 में, उनकी किस रचना के लिए, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। उसके बाद 1961 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दोस्तों 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत, प्रथम हिंदी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी हिंदी जो रचना है चिदम्बरा, उसके लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन, जो उनका एक महाकाव्य है, यहाँ पे देखिए महाकाव्य लोकायतन, तो इसके लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं, यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। प्रकृति के चितेरे कवि कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
ये भी कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को, और इनके उपनाम है गोसाई और रावणानुज। ठीक है, रावणार्यनुज इनका एक प्रसिद्ध उपनाम भी है, गोसाई और रावणार्यनुज ये इनके उपनाम है। तो ये तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में था दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाएं और प्रमुख पुरस्कार। उत्तराखंड के दूसरे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं मंगलेश डबराल, आपके सिलेबस में इनका भी नाम है। तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म होता है 16 मई 1948 को, और जन्म कहाँ होता है तो काफल पानी गाँव, जो की टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड के टिहरी जनपद के काफल पानी गांव में 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है। और इनका निधन कब हुआ तो 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया था। अब यहां पे देखो, इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाओं में दोस्तों आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत ज्यादा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड की मतलब जो जीवन शैली है उस पर इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। एक प्रमुख पंक्ति में इनके पढ़ रहा था, बहुत अच्छी पंक्तियां इनकी, मैं भी कई बार पढ़ लेता हूं, कि मैंने शहर को देखा और मुस्कुराया, वहां कोई कैसे रह सकता है, यह जानने में गया और वापस न आया। तो इस पंक्ति को पढ़ के आप लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भाव इसमें छुपा हुआ है। तो आप भी इनकी पंक्तियां पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनकी यहाँ पे कविताएं इन्होंने लिखी है और बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। तो बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करेंगे, तो प्रमुख काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, और नए युग में नए शत्रु। तो ये इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का मतलब आप समझ रहे हैं, काव्य संग्रह का मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये तो काव्य संग्रह का मतलब कि उसमें जितने भी उनके काव्य हैं, बहुत सारी कविताएं उनमें संग्रहित की गई हैं, और तब जाके उसको उसमें लगभग कई कविताओं का संग्रह होगा, और उसका नाम है पहाड़ पर लालटेन। जो ये पहाड़ पर लालटेन एक काव्य संग्रह है, इसके अंतर्गत इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। उसी प्रकार से घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, तो ये इनके क्या है, काव्य संग्रह है। उसके बाद इनके गद्य संग्रह भी दोस्तों, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, तो ये इनके प्रसिद्ध गद्य संग्रह हैं। यात्रा वृतांत भी है इनका एक बार आयुवा किसका यात्रा वृतांत है, तो ये भी मंगलेश डबराल जी का यात्रा वृतांत है। और एक दोस्तों काव्य संग्रह में आप एक आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि एनसीईआरटी में 9th या 10th में है, संगतकार एक कविता है, वहां पे एक रचना है संगतकार, तो ये भी किसकी है, मंगलेश डबराल जी की है। इस प्रकार से है वो कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भरी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो संगतकार नाम से इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, शायद मतलब एनसीईआरटी सिलेबस में है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। और आवाज भी एक, ये भी इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। पटकथा लेखन की अगर बात करें तो नागार्जुन हो गया, निर्मला वर्मा, महाश्वेता देवी और गुरुदयाल इनके क्या हैं, पट कथा लेखन हैं। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी मंगलेश डबराल जी की। पट कथा लेखन का मतलब समझ रहे होंगे, ये तो मतलब एक स्क्रिप्ट टाइप की होती है, जैसे फिल्मों के लिए होती है या कोई टेलीविजन कार्यक्रम के लिए होती है, तो एक स्क्रिप्ट टाइप की होती है पट कथा लेखन। अब आगे बात करते हैं मंगलेश डबराल जी को जो भी प्रमुख पुरस्कार मिले हैं अब तक। 2000 में इन्हें हम जो देखते हैं, इसके लिए ये इनका एक काव्य संग्रह था, तो उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको 2000 में सम्मान किया गया, हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए। 1989 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मान किया गया, और 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1983 में इन्होंने दोस्तों जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का भी कार्यभार संभाला था। तो ये थी मंगलेश डबराल की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनको मिले अब तक के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैलेश मटियानी जी की। शैलेश मटियानी का नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी भी था।
इनका जन्म होता है 14 अक्टूबर 1931 को, और जन्म कहाँ होता है तो अल्मोड़ा के बाड़े छीना गांव में इनका जन्म होता है, और इनका निधन होता है 24 अप्रैल 2001 को। और इनको उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है, तो शैलेश मटियानी को। शैलेश मटियानी के नाम पर उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को पुरस्कार भी दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उपन्यास से लेकर कहानी संग्रह, निबंध, लोक कथा। तो अब देखते हैं इनके, सबसे पहले इनके उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके उपन्यास हैं। बोरी वाली से बोरी बंदर तक, ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। सर्पगंधा, मुठभेड़, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी। आकाश कितना अनंत है, डोरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, उगते सूरज की किरण, उसके बाद है छोटे छोटे पक्षी और पुनर्जन्म के बाद। ये इनके कुछ प्रमुख क्या है दोस्तों, उपन्यास हैं। ये सारे के सारे आपको नोट करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी उपन्यास उठा के आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में आपका सिर्फ नाम दे रखा है। तो जब नाम दे रखा है साहित्यकार का, तो साहित्यकार के जितने भी उपन्यास है, जितने भी कहानी संग्रह है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको जरूर यहाँ पे नोट करने होंगे। जैसे बोरी वाली से बोरी बंदर तक और मुठभेड़, ये कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद कहानी संग्रह की अगर बात करें तो मेरी 33 कहानियां, ये एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का मतलब इसमें बहुत सारी कहानियां का संग्रह किया गया होगा, और उसके बाद एक मतलब जैसे बुक टाइप की होती है, जैसे बुक्स में होता ना कवि कविताएं होती हैं, और उस बुक्स का नाम रख दिया मेरी 33 कहानियां। तो इसमें लगभग 33 कहानियों का क्या होगा, संग्रह हो सकता है, इसलिए इसका इस कहानी संग्रह का नाम इस प्रकार से रखा गया होगा। दो दुखों का एक सुख, उसके बाद बर्फ की चट्टाने, प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, महाभोज। अब देखो दोस्तों यहाँ पे महाभोज में बहुत सारे अभ्यर्थी ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि महाभोज मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूं जो महाभोज उपन्यास है वो किसका है, वो है मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध उपन्यास। ये भी आपके सिलेबस में है मन्नू भंडारी, तो इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो महाभोज में यहाँ पे आपको बता रहा हूं ये कहानी संग्रह है, और ये कहानी संग्रह किसका है, तो ये है शैलेश मटियानी जी का। जबकि महाभोज उपन्यास भी है वो किसका है, मन्नू भंडारी का है। तो दोनों अलग अलग है, नाम दोनों के सेम है, एक उपन्यास है महाभोज वो मन्नू भंडारी जी का है, जबकि महाभोज जो कहानी संग्रह है वो है शैलेश मटियानी जी का। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भेड़ और गडरी है, ये भी एक कहानी संग्रह है शैलेश मटियानी जी का। उसके बाद निबंध की अगर बात करें, निबंध और स्मरण, तो कागज की नाव प्रसिद्ध निबंध है, मुख्य धारा का सवाल, लेखक की हैसियत से जनता और साहित्य, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब, ये इनके कुछ प्रमुख निबंध और स्मरण है। अब यहाँ पे जो कागज की नाव है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो कागज की नाव है ये एक उपन्यास भी है। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं कागज की नाव उपन्यास, ये किसका है उपन्यास, तो ये उपन्यास है दोस्तों नासिरा शर्मा का। और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि नासिरा शर्मा को 2019 में इसी उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, कागज की नाव उपन्यास के लिए। तो कागज की नाव उपन्यास किसका है, नासिरा शर्मा का है, लेकिन कागज की नाव निबंध और स्मरण ये किसका है, तो ये है आपका शैलेश मटियानी जी का। तो इसमें इतना डिफरेंस है, ये आपको जरूर लेके चलना है, दोनों आपको नोट करना है एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा। वैसे नासिरा शर्मा हिंदी ग्रामर पर तो नहीं आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीके में बन सकता है करंट अफेयर के व्यू पॉइंट से, तो इसलिए आपको ये नोट करना जरूरी है। उसके बाद इनके लोक कथा संग्रह की अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो कुमाऊं की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं और तराई प्रदेश की लोक कथाएं, ये इनके कुछ लोक कथा संग्रह हैं जिसमें कई लोक कथाओं का इन्होंने संग्रहण किया है, और इसलिए इनको उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी माना जाता है। बात करेंगे अगर प्रमुख
पुरस्कारों की। वैसे इनके बाल साहित्य भी हैं कुछ, जैसे चूहिया का दुल्ला, रानी गोरैया, बिल्ली के बच्चे, ये इनके कुछ प्रमुख बाल साहित्य भी हैं। पुरस्कारों की अगर बात कर लेते हैं, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें अब तक मिल चुके हैं, तो एक तो महाभोज, महाभोज जो इनका कहानी संग्रह है, देखो महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का है, लेकिन महाभोज कहानी संग्रह किसका है, शैलेश मटियानी जी का है। तो महाभोज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको प्रेमचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, महाभोज कहानी संग्रह के लिए। उसके बाद 1983 में मुठभेड़ उपन्यास है इनका, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसके लिए इनको फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, मुठभेड़ उपन्यास के लिए। 1994 में दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया, और उसके बाद 1999 में यूपी सरकार द्वारा लोहिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, और 2000 में इनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन ये भी आपके सिलेबस में है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। और उत्तराखंड सरकार द्वारा जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राज्य शैक्षिक पुरस्कार इनके नाम पर दिया जाता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को शैक्षिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है। और शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई, तो 2009 से हुई, ये भी आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि श्रमजीवी साहित्यकार किसे कहा जाता है, तो ये भी शैलेश मटियानी को कहा जाता है, और उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी इन्हें कहा जाता है। तो ये हो गई शैलेश मटियानी जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेखर जोशी जी के बारे में, ये भी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। शेखर जोशी का अगर जीवन परिचय देखें यहाँ पे, तो इनका जन्म होता है सितंबर 1932 को। जन्म कहाँ होता है, तो अल्मोड़ा के ओलिया गांव में। इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनका उपन्यास है एक मेरा पहाड़, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। अथ मूषक उवाच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चींटे के पर और साथ के लोग और हल वाला, ये इनके क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। कहानियों की बात करें तो दाजू नौरंगी बीमार है, महत्वपूर्ण है। बदबू, कोशिका घटवार, एग्जाम में पूछा गया है कोशिका घटवार, ये भी इनका क्या है, एक प्रसिद्ध कहानी है। बदबू है, दाजू है, नौरंगी बीमार है और कोशिका घटवार। पुरस्कारों की अगर बात करें, वैसे जो ये कोशिका घटवार है, इसमें जो मुख्य पात्र है, मुख्य नायक है, वो है नायक गुसाई, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक था। कोशिका घटवार में जो मुख्य पात्र है वो है नायक गुसाई, एक वो पूर्व सैनिक था, ये भी आप नोट कर सकते हैं। पुरस्कारों की अगर बात करें तो 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1995 में साहित्य भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1997 में पहल सम्मान और 2003 और 4 में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। बाकी इनके जो ये दाजू कहानी है, इस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था, इनकी जो कहानी है दाजू। एक और कहानी थी इनकी एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर, गलता लोहा, 9th या 10th में रही होगी, आप बता सकते हैं, आपने जरूर पढ़ी होगी। तो गलता लोहा इनका एक प्रसिद्ध कहानी थी, और इसमें इस कहानी का मुख्य पात्र रहता है मोहन, जो एक पंडित है, और मोहन के दोस्त का नाम रहता है वंशीधर। अब वैसे जो गलता लोहा कहानी का उद्देश्य था, वो था जातिगत भेदभाव से जो उत्पन्न परिस्थितियां होती हैं, उसका सामना एक युवक कर रहा है, और उसकी मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया है गलता लोहा में। तो एक संदेश दिया गया है, काफी प्रसिद्ध कहानी है गलता लोहा। तो ये किसकी रचना है, ये भी शेखर जोशी जी की एक कहानी है गलता लोहा। तो शेखर जोशी की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवानी, जिनको गोरा पंत के नाम से भी जाना जाता है। शिवानी का अगर हम जीवन परिचय की बात करें, तो मूल रूप से ये कुमाऊं की थी, ठीक है, भले इनका जन्म गुजरात में होता है, लेकिन मूल रूप से दोस्तों ये कहाँ की थी,
ये कुमाऊं की थी और इनकी रचनाओं में कुमाऊं क्षेत्र की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। तो जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। इनका जन्म होता है 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में, लेकिन मूल रूप से कहां की थी, कुमाऊं की। और निधन इनका होता है 21 मार्च 2003 को। इनके उपन्यासों की अगर बात करें, प्रमुख रचनाओं में उपन्यास देख लेते हैं पहले, तो कृष्णकली, कालिंदी, पूतों वाली, अतिथि, चल खुसरो अपने घर, चल खुसरो अपने घर, ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। शमशान चंपा, उसके बाद यहाँ पे शमशान चंपा हो गया, कैंजा मायापुरी और विषकन्या, रवि विलाप और आकाश। तो ये इनके कुछ प्रमुख क्या है, उपन्यास है, जिसमें चल खुसरो अपने घर काफी प्रसिद्ध है, अतिथि हो गया, कालिंदी, पूतों वाली, ये भी काफी प्रसिद्ध है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो मृणमाला की हंसी, शिवानी की मशहूर कहानियां, पुष्पहार, अपराधिनी और झरोका, ये इनके क्या है, कहानी संग्रह है। आत्मकथा की अगर बात करें तो सुना हूं तात यह अमर कहानी, ये आत्मकथा किसकी है, तो ये है शिवानी, जिनको गोरा पंत नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक यात्रा वृतांत भी है प्रसिद्ध, चरवेन और यात्रिक, चरवेन और यात्रिक इनके दो प्रसिद्ध यात्रा वृतांत हैं। और 1982 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो शिवानी गोरा पंत की अगर इतनी रचनाएं आप नोट करते हैं, याद करते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और अंतिम जो आज के साहित्यकार हैं, क्योंकि आपके जो यूकेट के जो हिंदी का सिलेबस है उसमें लगभग उत्तराखंड के 6 साहित्यकारों के बारे में वहां पे दिया गया है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो 6 नंबर पे हैं वो हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के जीवन परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 13 दिसंबर 1901 को, और जन्म कहाँ होता है, तो पालीगांव पौड़ी गढ़वाल में, और निधन इनका होता है 24 जुलाई 1944 को। अब देखो यहाँ पे इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद संप्रदाय, हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद संप्रदाय, ये रचना किसकी है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की है। रूपक रहस्य, गोरखवाणी, गद्य सौरभ, हरिदास की साखी और सतसई सप्तक, ये क्या है, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका एक निबंध भी है हिंदी साहित्य में उपासना स्वरूप, कवि केशवदास और कनेरी पाव, तो ये इनके प्रमुख क्या है, निबंध है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि हिंदी, ये एक हिंदी शोधकर्ता थे वैसे, ठीक है, और हिंदी साहित्य में डी लिटरेचर की उपाधि पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको काशी विश्वविद्यालय द्वारा 1933 में हिंदी साहित्य में डी लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आज दोस्तों ये 6 प्रसिद्ध साहित्यकार और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और काफी हेल्पफुल होगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। बाकी इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण की जो कंप्लीट ईबुक है उसमें इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे उस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jaldhariclasses.in। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अन्य साहित्यकार है और उनकी प्रमुख रचनाएं आपके सिलेबस में जो अन्य साहित्यकार दिए गए हैं उस पर वीडियो आने वाली है 24वें लेक्चर में, और शायद एक और लेक्चर भी आएगा और इसके MCQ भी हम जरूर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।